दोस्तों, भारतीय टीम के उभरते सितारे वेंकटेश अय्यर अब अपने प्रदर्शन से चर्चा में तो हैं, लेकिन वो शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान को लेकर भी काफी समय से चर्चा में हैं। वहीं सुहाना खान अपने रिश्ते को लेकर एक बड़ा खुलासा कर चुकी हैं, जिसको सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। वेंकटेश को लेकर क्या कहा सुहाना ने, वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, वेंकटेश अय्यर और हार्दिक पांड्या में से कौन है बेहतरीन ऑलराउंडर? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2021 से पहले से शायद ही कोई वेंकटेश अय्यर का नाम जानता होगा, लेकिन अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को फाइनल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले भारतीय टीम के उभरते सितारे वेंकटेश अय्यर का नाम आज भारत के हर बच्चे की जुबान पर है। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ फिनिशर की भूमिका में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए ये दिखा दिया कि वो T20 विश्व कप के लिए तैयार हैं। और यही नहीं, उन्होंने गेंदबाजी करते हुए भी दो सफलताएं अपने नाम कर ली हैं, जिसके बाद क्रिकेट जगत में वो छाए हुए हैं। लेकिन वो एक और बात से चर्चा में हैं, और वो शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान से उनके रिश्ते को लेकर है। आईपीएल ऑक्शन में सुहाना खान के आने के बाद से वेंकटेश और सुहाना खान के नाम को एक साथ जोड़ा जा रहा है, जिस पर इस रिश्ते को लेकर सुहाना खान ने अपना बयान देकर बड़ा खुलासा किया है। सुहाना ने बयान में कहा कि मेरे और वेंकटेश के बीच में कुछ भी नहीं है, ये सारी खबरें बिल्कुल अफवाह हैं, और मुझे समझ में नहीं आता कि मीडिया को ऐसा करने में क्या मजा आता है। अगर आपको न्यूज़ बनानी ही है तो कुछ और करिए, आप किसी और के नाम को इस तरह से नहीं उछाल सकते। रही बात वेंकटेश की, तो वो हमारी टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, और मेरा उनके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आगे से ऐसी कोई अफवाह न फैलाएं। सुहाना ने इस बयान पर देकर पूर्ण विराम लगा दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आने वाले समय में वेंकटेश टीम इंडिया के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर हो सकते हैं या नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।